डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने जो साइंस चैप्टर में भी एनसीईआरटी बुक से कर रहा था, उसमें हम लोगों ने एक फिजिक्स के सेक्शन को, फिजिक्स के सेक्शन में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर को पढ़ा। उसमें जितनी भी थ्योरी थी उसको ढंग से मैंने पढ़ा, उसके बीच के क्वेश्चंस को किया, उसके पीछे वाले जो अभ्यास का प्रश्न और उत्तर होते हैं उसको भी हम लोगों ने अच्छे से किया। तो टोटली बात ये हम लोगों को निकल कर आ रहे हैं कि फिजिक्स में एक चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि आज एक नए चैप्टर के स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना बेहतर रहेगा, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग टाइम लेंगे, बात करेंगे अच्छे से। तो आपको जानना चाहिए कि हम लोग जो टेंथ में हैं, तो साइंस में हम लोग को की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो साइंस तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जब भी आपकी स्कूल कॉलेज में जहां पे आपका एडमिशन होगा, तो हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम जो होगी उसमें अगर साइंस का पेपर आप देने पहुंचेंगे तो सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर से नहीं आएगा, सिर्फ केमिस्ट्री के चैप्टर से नहीं आएगा। उसमें जब क्वार्टरली दे रहे हैं तो हो सकता है कि फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक चैप्टर रहे। तो इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप स्कूल कॉलेज के बेसिस पे पहले एग्जाम होगा तब ना फाइनल एग्जाम होगा वहां पे बिहार बोर्ड में, तो उसमें जो हम लोगों की एग्जाम होने वाली है उसमें सब में से एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर आने वाला है। तो अगर हम लोग सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते चले जाएं, मतलब कि एक चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में एक भी चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक, न बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के सेक्शन को कंप्लीट करते चले जाएंगे तो हम लोग का जो यहाँ पे स्कूल के बेसिस पे एग्जाम होने वाला है रहेगा, तो उसमें भी हम लोग ड्रॉप कर जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं रहेंगे। तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, अलाउड अदर टाइप ऑफ साइंस, अदर सब्जेक्ट ऑफ साइंस, जैसे कि साइंस के हम लोग फिजिक्स के सेक्शन में एक चैप्टर पढ़े प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो अब या तो केमिस्ट्री शुरू किया जाए या तो बायोलॉजी शुरू किया जाए, क्योंकि सब चीजें कोरिलेट्स होंगी। फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, अब की अगर केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही साइकिलिंग चलते रहेगा, फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग फिर से फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे करके हम लोग चीजों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि चलिए आइए आज हम लोग साइंस के टेंथ क्लास के साइंस में एनसीईआरटी की बुक से ही हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो केमिस्ट्री से लिया हुआ है, और ये आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के किताब का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में है। जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक समीकरण और समीकरण, ये पूरा नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये न्यू चैप्टर है हम लोग का, केमिस्ट्री का एक सेक्शन है, ठीक है। जरा बात करते हैं हम लोग कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है सर, रासायनिक समीकरण क्या है, तो सब चीज के बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे आज, जानेंगे, सीखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो कोई भी अगर पदार्थ लाइक अणु, परमाणु, आयन, अगर आपस में जुड़कर एक नया कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि कोई पदार्थ, अणु या परमाणु आपस में अटैच्ड होकर, जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इट मींस आपने दूध से दही बनने का प्रोसेस तो देखा होगा,
क्या करते हैं हम लोग, दूध को रख लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, सिरका, इट मीन्स जोरन, इट मीन्स कोई भी खट्टा पदार्थ, नींबू या फिर जो भी हो, तो उसमें सिरका डालते हैं। क्या होता है वो धीरे 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 दही में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना किसी भी पदार्थ का, यौगिक का, अणु का, परमाणु का, अगर वो अपना अवस्था बदल लेते हैं। समझ में आ रही है चीजें क्या हो रही है? अगर अपना वो अवस्था बदल लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और समीकरण का मतलब क्या है सर? अभिक्रिया का तो मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई पदार्थ, अणु, परमाणु अगर बदल जाते हैं, उनमें जो चेंज आ जाता है वो अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन समीकरण क्या? तो समीकरण का मतलब कि उन्हीं चीजों को व्यक्त करने के लिए, बतलाने के लिए एक शब्द संक्षेप का यूज किया जाता है। जैसे कि आप यूज करते होंगे, इट मींस कि जो भी चीजें एंगल, जैसे अगर मैथ्स में अगर बात किया जाए तो एंगल एबीसी लिखता है ना, एंगल एबीसी, ये क्या दिखाया, नोटिफिकेशन है ना एंगल का, वैसे ही एक समीकरण है। समीकरण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए, बतलाने के लिए एक संक्षेप का यूज किया जाता है, एक छोटा सा पार्ट का यूज किया जाता है, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या पहचान है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या पहचान है कि ये अभिक्रिया हुआ है, तो चार चीज उसका पहचान है। कोई अगर पूछेगा कि ऐसा चार पहचान बताओ ताकि हम देखते समझ जाएं कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो सबसे पहली बात कि अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे आपने क्या किया, एक आइस यानी कि बर्फ के टुकड़े को कहीं भी हवा में जाकर छोड़ दिया, हवा में जाकर रख दिया, सनलाइट में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में, धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। पहले वो बर्फ की अवस्था में था, तब हम उसको बोल रहे थे कि ठोस अवस्था, लेकिन जैसे ही वो धीरे 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 पिघल गया, हम उसको अब क्या बोलने लगे, द्रव अवस्था। इसी को बोलते हैं अवस्था में चेंज आ जाना, अवस्था में चेंज आना। तो अगर अवस्था बदलता है हम क्या बोलेंगे, जब अवस्था बदल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अभिक्रिया हुआ है। दूसरा, रंग में बदलना, कलर में बदलना, ये भी बहुत पहचान है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा जो पहचान है वो रंगों में परिवर्तन का है। अब इसका आप तुरंत वीडियोज को भी रोक कर और तुरंत एक्सपेरिमेंट करना है, तब आपको देखिए नॉलेज, जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है वो तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा पहचान क्या है, रंग में परिवर्तन लाना। अगर कहीं रंग में परिवर्तित हो रही है कुछ चीजें, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इट मींस करना क्या, एक सिंपल सा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि सब लोग आप कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि रंग में परिवर्तन भाई कैसे होता है। करना क्या है, इतनी सी नमक को अपने हथेली पे रख लेना है, जो वही नमक जो हम लोग खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, यानी कि खाने के रूप में जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है नमक, उसको रख लेना है। रख लिया, उसके बाद नींबू तो होगा घर में, नहीं होगा तो कोई फालतू का जबरदस्ती, ऐसा नहीं है कि करना ही है, चाहो तो करना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नमक को रख लिया यहां पे हथेली पे, इतने सा, ज्यादा नहीं। उसके बाद आधा कटा हुआ नींबू लेना है और उसमें 2-3 ड्रॉप नींबू का डालना है, कहां पे, हाथ पे नहीं, हाथ में रखा हुआ नमक पे। तो आप पाएंगे कि नमक का कलर कैसा था पहले, डालने से पहले दैट इज व्हाइट एंड देन इज टर्न्स ब्लू, फिर कैसे में बदल जाता, वो ब्लू में बदल जाता है, यानी कि यहां पे रंग का परिवर्तन हुआ। तो साथियों, दूसरा था रंग में परिवर्तन, पहला अवस्था में परिवर्तन हुआ, आप समझो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा रंग में परिवर्तन, अगर कलर में चेंज आ जाए तो हम भी बोलेंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा जो पहचान है वो है गैसों का उत्सर्जन, गैसों का निकलना, गैसों का छोड़ना। हर जीव जंतु
अपना श्वसन की क्रिया करते हैं, इसीलिए अपना वृद्धि करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। उस सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और छोड़ने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए एक रिसाइकलिंग बनता है। समझ में आ रही है? तो कहने का मेरा मतलब कि जो हम गैसों का उत्सर्जन करते हैं या कोई भी जीव अपना गैस उत्सर्जित करती है, छोड़ती है, निकालती है, वो भी कहीं ना कहीं एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहली अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, और तीसरा गैसों का उत्सर्जन, और नेक्स्ट है चौथा तापमान में परिवर्तन। एक लास्ट जो है वो तापमान में परिवर्तन। तो हाँ, हम ये बोल रहे कि तीन इसका रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है और लास्ट चौथा जो है टेम्परेचर का पहचान, यानी कि तापमान में भी कुछ अंतर पाया जाता है। तो हम कुल मिलाकर बात ये करना चाह रहे हैं कि जो अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है वो चार तरीके का पहचान है। पहला कौन सा है भाई? तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, और तीसरा गैसों का उत्सर्जन, और चौथा तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीजों को टिपिकली यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो ये तो चैप्टर हुआ ना पूरा, तो ढंग से थोड़ा सा अपना जो नोट्स या फेयर कॉपी बनाना है, थोड़ा सा ढंग से चैप्टर को लिख देना है। फिर इसमें जो सबसे पहला टॉपिक लेना है वो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दैट इज अ टॉपिक, टॉपिक लेना है, उसके नीचे एरो देना है, एरो देकर लिखना है, जो बोल रहे हो लिखते जाना है। लिखेंगे फर्स्ट एरो, कोई पदार्थ या अणु या परमाणु, कोई पदार्थ या अणु या परमाणु अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक अलग गुण वाला, एक अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। वही बताए हैं, जो भी हम समझाए हैं वही चीजें हैं कि कोई पदार्थ अणु मिलकर एक नया कोई पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट अध्याय में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित कारणों से होती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, और तीसरा गैस का उत्सर्जन, तीसरा गैस का उत्सर्जन, चौथा तापमान में परिवर्तन। तो ये सभी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं और लिखे भी हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग इसका लिख देंगे, एक और मार्कर कर रहा है, हाँ, एग्जांपल में लिख देंगे, पहला दूध से दही में परिवर्तन, दूसरा एग्जाम्पल, हम एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, उसके नीचे लिखना है
जैसे दूध से दही में बदलना भी एक तरह का क्या है, अभिक्रिया है। दूसरा लिखेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, या इसका चूर्ण प्राप्त होता है। इसका चूर्ण मतलब चूर होना है ना, चूर्ण प्राप्त होता है, या इसका चूर्ण प्राप्त होता है। चलिए, तो अभी हम लोग सब चीज सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये इसका पहचान क्या है, और उसके नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे दूध से दही में बदलना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जो दूसरा हम लोग लिखे कि जब मैग्नीशियम को, देखिए मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम एक तत्व है जो आवर्त सारणी का एक एलिमेंट्स है। अब आवर्त सारणी आप नहीं पढ़े होंगे, हम लोग 10th क्लास में पढ़ लेंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, इसी सेक्शन में, इस चैप्टर में नहीं, मतलब है एक चैप्टर आवर्त सारणी से रिलेटेड, ठीक है, तो हम लोग वहां जानेंगे। फिलहाल आज ये जान लीजिए कि मैग्नीशियम, जैसे कि आप 9th में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन याद किए होंगे, एक आवर्त सारणी का तत्व है, वैसे ही मैग्नीशियम भी एक क्या है, तत्व है। अब उस तत्व को क्या किया जा रहा है कि जैसे ही वायु में यानी कि हवा में ले जाकर उसमें आग लगाया जा रहा है, उसी को बोलते हैं दहन करना यानी कि जलाना, तो प्राप्त क्या हो रहा है, वो उसका चूर्ण अवस्था प्राप्त होता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि उसमें एक गुण पाया जाता है। भाई क्या गुण है, कि जैसे ही उसको हवा में ले जाकर वायु में और जलाओगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, जैसे किसी शीशे को हम लोग उसको पीट पीट कर चूर्ण चूर्ण अवस्था कर देते हैं, सेम वैसा ही हम लोग मैग्नीशियम को जब वायु में ले जाकर जलाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, वो उसका चूर्ण प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण अवस्था, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यहां ये हो रहा है कि अब जो हम लोग रसायन यानी कि केमिस्ट्री में शुरू किए हैं कुछ भी चीजों को पढ़ना, उसमें ज्यादातर अभिक्रिया को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें हम करते हैं वो क्लियर कट बात करते हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसा है जो हम लोग जनरल लाइफ में देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें वैसी है जो दिखाई नहीं देता, हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो वैज्ञानिकों ने एक बार प्रयोग करके दे दिया है उसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे ही इस्तेमाल तो नहीं करते, उसे ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग जानते हैं, यानी कि आपको उन्हीं चीजों को याद कर लेना होगा, क्योंकि आपके पास उतना व्यवस्था नहीं है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करो। हालांकि दूध से दही का बनना ये सभी घरों में पॉसिबल है, सबने देखा है, इसलिए आप इन चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीजें आप नहीं देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को नहीं देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है नहीं देखा, मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका चूर्ण बनते हुए नहीं देखा, इसलिए हम लोगों को विश्वास नहीं होता और हम लोगों को टप पड़ने लगता है ये चीजें कि आखिर मैग्नीशियम को कैसे हवा में जलाएंगे, क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारी हम लोगों को चीजें मिलेंगी जो हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, नहीं जाने, लेकिन आपको उन चीजों को याद रखना पड़ेगा, कि रियलिटी में मानना पड़ेगा कि रियलिटी ऐसा होता होगा और होता है, भले आप प्रैक्टिस नहीं करो, प्रयोग नहीं करो, लेकिन आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो हम अभी क्या लिखें कि मैग्नीशियम का एक गुण है कि जब उसको हवा में ले जाकर
उसको आग लगाया जाता है तो वो चूर्ण प्राप्त हो जाता है, चूर्ण जैसा मिलता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ बात थी जिसको हम लोग बताएं। अब आगे हम लोग टॉपिक देंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब हम लोग आइए सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट एरो देंगे, फिर बताएंगे, समझाएंगे। तो रासायनिक समीकरण एरो लिया जाए, लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखा जाता है, तो बहुत लंबा हो जाता है, अतः उन्हीं अभिक्रिया को संक्षेप रूप में लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहते हैं, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या है, है ना। तो हम क्या बोले कि किसी भी चीज को हम लोग व्यक्त करने के लिए एक शॉर्ट रास्ता पसंद करते हैं। जैसे कि ये चीजें जनरल लाइफ से जुड़ी हुई होती है, जैसे अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो और आपका रोड जो है बहुत तिरछा तिरछा घुमा कर गया है और सूखी दिन है यानी कि गर्मी के दिन है, आप चाहो तो शॉर्ट रास्ता बना सकते हो। तो कोई भी चाहता है कि हम शॉर्ट रास्ता मारे, यानी कि कुछ ऐसा ही है रासायनिक समीकरण के साथ। रासायनिक समीकरण भी यही चाहता है कि हम उन चीजों को जो बहुत बड़ा लंबा है उन चीजों को क्यों ना छोटा करके बतलाएं। तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए एक संक्षेप रूप यूज किया जाता है, यानी कि शॉर्ट रास्ता। डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी हम आपको कुछ जो बचा हुआ था जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो इसके वजह से हमें कॉपी पे बताना पड़ रहा है, तो सो सॉरी इसके लिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण वह कहलाता है जो बिल्कुल शॉर्ट रास्ता होता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संक्षेप के रूप में दिखाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, राइट। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मैग्नीशियम धातु को जब हम लोग वायु में दहन करते हैं, जब वायु में दहन किया जाता है तो वो चूर्ण प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो करने की ज़रूरत है इसको शॉर्ट रास्ता, जैसे उसके नीचे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और वायु में दहन किया जाता है, तो वायु में यानी कि हवा और हवा में दहन। दहन का मतलब क्या, दहन का मतलब जलना, और जलेगा कब, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बना रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम, ऑक्साइड, ठीक है। या फिर इसको हम लोग और संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg से सूचित करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को O2 से सूचित करते हैं,
ऑक्सीजन का मतलब ओ होता है, लेकिन टू क्यों लिखा जा रहा है अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, इन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इससे जो बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO। इससे भी पहले टू से मल्टीपल कर देते हैं, इससे भी टू से मल्टीपल कर देते हैं। अब क्यों कर रहे हैं टू से मल्टीपल, आप थोड़ा सा एक दो दिन का वेट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को मल्टीपल क्यों करते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है यहाँ पे। अब इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ी चीज़ें हैं उसको हम लोग शॉर्ट में, संक्षेप में दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रासायनिक समीकरण। ओके, फिर अगर बात करते हैं, अब जानना चाहिए कि रासायनिक समीकरण का एक पहचान है कि उसमें तीर का निशान होता है। ध्यान दीजिएगा बात को, उसमें क्या होता है, तीर का निशान जहाँ भी मिल जाए आप समझिए क्या हो रहा है, ये रासायनिक समीकरण लिखा जा रहा है, यानी कि अभिक्रिया हो रहा है। क्योंकि अभिक्रिया को ही हम लोग तीर के निशान द्वारा, एक शॉर्ट रास्ता है जिसको सूचित करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जो तीर का निशान है उसके, तीर के निशान के बाएं साइड वाले को बोलते हैं इसको अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, और दाहिने वाले साइड को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिफल बोलते हैं या फिर उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि रासायनिक समीकरण में तीर के निशान होते हैं, और तीर के निशान के पहले एक टर्म रहे, एक पद रहे, चाहे दो पद रहे प्लस में या तीन पद रहे, सबको हम बोलेंगे अभिकारक। और तीर के दाईं तरफ अभी तो एक है ना, बाद में दो मिले, तीन मिले, हजार मिले, सभी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रतिफल या फिर उत्पाद। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम अभिकारक किसको कहेंगे? तो जो तीर के निशान में, जो रासायनिक समीकरण में तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है, उसके बाईं ओर वाले जितने भी पदार्थ या यौगिक रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिफल किसको कहते हैं? तो तीर के निशान के दाईं ओर, तो उसके नीचे फिर से एरो देंगे, उसके उसके नीचे। तो उस रासायनिक समीकरण में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिखा कि किसको कहते हैं, उसके नीचे ये सब लिख देना है, ठीक है। फिर उसके नीचे एरो देना है, लिखेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में तीर के निशान, तीर के निशान ब्रैकेट में ऐसे, तीर के निशान का ब्रैकेट ऐसे कर दीजिए, रासायनिक समीकरण में तीर का निशान का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। फिर उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे तीर के निशान के बाईं ओर के, तीर के निशान के बाईं ओर के पदार्थ या अणु या परमाणु को अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे तीर के निशान के, लिखेंगे उसमें तीर के निशान के दाईं ओर के, दाईं ओर के पदार्थ, पदार्थ या अणु या परमाणु को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। उसके नीचे फिर से एग्जाम्पल, जो एरो देकर लिखे है उसके नीचे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल H2+O2, 2H2O, ठीक है। अब इसमें अगर पूछा जाए, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसको देखकर आपको पूछा जाए कि इसमें आपको बताना है कि अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, तो आप लिखेंगे अभिकारक में 2H2+O2, क्योंकि ये बाईं ओर है। प्रतिफल या उत्पाद कौन है भाई? तो प्रतिफल या फिर उत्पाद किसी एक
नाम से भी जानते हैं हम लोग, या दोनों ही नाम से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2H2O है। एग्जाम्पल नंबर वन लिख दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा कर लेते हैं, C+O2 यानी कि कार्बन और O2 का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है CO2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, या फिर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल में ऐसे लिखेंगे CO2, C+O2, ये वाला नहीं लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा। यहाँ पे अभिकारक कौन है, तो अभिकारक इज इक्वल टू CO2 एंड प्रतिफल इज, प्रतिफल कौन है, तो C+O2। यानी कि समझ पा रहे होंगे रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसको कहते हैं और प्रतिफल किसको कहते हैं। तो तीर के निशान के जो भी बाईं ओर रहेगा, चाहे एक रहे, चाहे दो रहे, चाहे तीन रहे, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान होता है उसके दाईं ओर वाला जो भी रहे, एक ठो रहे चाहे यहाँ पे देखिए दो ठो था, तो हम लोग सबको प्रतिफल बोल देंगे, या फिर इसको उत्पाद कहते हैं ना, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास को यहीं तक के एंड करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस क्लास को आधे हम लोग बोर्ड पे पढ़ें और आधे कॉपी पर पढ़ें, तो इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। अगली बार से हम चाहेंगे ऐसा नहीं हो, लेकिन मजबूरी की अवस्था में हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई नहीं छूटे, तो इस बात को लेकर मजबूरन अवस्था में कभी कभी इन चीज़ों को भी अपनाना पड़ता है। तो इससे मायूस बिल्कुल ना हो, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। धन्यवाद।